बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। यूनिवर्सिटी ऑफ बलूचिस्तान में बीए बीएससी के इम्तिहानात हो रहे हैं और कोरोना वायरस की वजह से आज वफाकी जो मिनिस्टर हैं शफकत महमूद की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया, जिसमें चारों सूबों के वज़ीर तालीम भी मौजूद थे। तो उनकी जो है ना सरबराह में एक मीटिंग हुई और उसमें यह फ़ैसला किया गया कि 26 नवंबर से बाकायदा तौर पर तमाम स्कूल्स और कॉलेजेस को बंद किया जाएगा। तो इस सिलसिले में बहुत से यूनिवर्सिटियों ने जारी एग्ज़ाम को कैंसिल कर दिया, लेकिन यूनिवर्सिटी ऑफ बलूचिस्तान में जो बीए बीएससी की एग्ज़ाम जारी हैं, जो 21 तारीख से शुरू हो चुके हैं, उनके एग्ज़ाम कैंसिल नहीं किए गए और बीए बीएससी के एग्ज़ाम अपने शेड्यूल के मुताबिक होंगे। तो ऐसा कोई वो नहीं है, क्योंकि स्टूडेंट्स में एक बहुत बड़ी परेशानी है कि एग्ज़ाम हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। बहुत जगहों पे ये चीज़ आ रही है कि एग्ज़ाम नहीं हो रहे, कैंसिल होंगे या कैंसिल हो रहे हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, यूनिवर्सिटी ऑफ बलूचिस्तान ने बीए बीएससी के जो एग्ज़ाम चल रहे हैं उनको शेड्यूल के मुताबिक जारी रखने की जो है ना वो हिदायत की है। और तमाम स्टूडेंट्स जो बीए बीएससी के स्टूडेंट्स हैं जो एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो वो अब अपने रोल नंबर स्लिप और अपने डेट शीट के मुताबिक अपने सेंटर में जाएं, अपने एग्ज़ाम दे दें। कोई इस तरह का कोई न के कोई फ़ैसला किया जा रहा है, न कि इस तरह का कोई फ़ैसला किया गया है। और यूनिवर्सिटी ऑफ बलूचिस्तान ने बाकायदा तौर पर इस चीज़ को एग्ज़ाम को कंटिन्यू रखने की जो है ना हिदायत की है, ताकि जो तालिबे इल्म हैं बीए बीएससी के, उनका तालीमी साल पहले बहुत ज़ाया हो चुका है, मज़ीद ज़ाया ना हो। और कोरोना वायरस की वजह से जो भी फ़ैसला वफाकी हुकूमत की तरफ से किया गया, वो जो स्कूल्स हैं और जो कॉलेजेस हैं, क्लासें सिर्फ बंद किए गए क्योंकि वहाँ पे केसेस बढ़ रहे थे इसलिए, लेकिन एग्ज़ाम को जारी रखा गया। लेकिन इसके साथ साथ अलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के बीए बीएससी के एग्ज़ाम चल रहे थे, लेकिन अलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी ने अपने एग्ज़ाम्स को स्टॉप किया, कैंसिल किया। 10 जनवरी के बाद उनके एग्ज़ाम शुरू होंगे, इससे पहले अलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में जितने भी एग्ज़ाम चल रहे हैं वो सब कैंसिल कर दिए गए। अब सिर्फ और सिर्फ बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी ने अपने एग्ज़ाम को जारी रखा। तो वो स्टूडेंट्स अगर इस परेशानी में हैं कि क्या होगा, तो ये वीडियो सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए है कि एग्ज़ाम अपने टाइम और अपने शेड्यूल के मुताबिक हो रहे हैं और जारी हैं। तो ये मालूमती वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।